morning students, we are going to discussion about the prepositions. Previous two lectures we are discussing about the prepositions and its types and the use of correct use of the prepositions. We are discussing about the correct use of the prepositions. Before it, we are going to discuss about at, in, into, between, among, or teaching. Now we are going to discuss about use of between. अब हम between के बारे में या among के बारे में या above या over इनके बारे में पढ़ेंगे. Preposition का थोड़ा सा reference हर class में वैसे दिया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. देखो preposition दो शब्दों से मिलकर के बना है, pre और position. Pre यानी होता है पहले, before. Position यानी होता है स्थान, यानी वह जो जो शब्द या वह noun जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य नाउन या प्रनाउन या अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करे वो प्रीपोजिशन कहलाता है. हमने इन के बारे में, एट के बारे में, इनटू के बारे में, इन प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं जैसे यूज ऑफ बिटवीन का. बिटवीन का मतलब होता है बी फॉर रेफर टू, तो ये दो के बीच की तुलना करेगा. बी इज द अल्फाबेट लेटर टू और बिटवीन यानी ये दो के बीच तुलना करने का काम आता है. जैसे बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है. बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है. के बीच का मतलब उसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो जिसकी भी हम तुलना कर रहे हैं, और उनके बीच में रेफरेंस होगा. जैसे ए और बी और सी आ जाए तो ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है. इस तरीके से दो के बीच में इनका प्रयोग होता है. एक बार देखेंगे यूज ऑफ बिटवीन. बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है. इनका प्रयोग टू पर्संस और थिंग्स के लिए होता है. बीच में किसके लिए प्रयोग होता है, या तो टू पर्संस के लिए होता है या थिंग्स के लिए होता है. फिर जैसे कुछ एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं. सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर. सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर. वह अपने पिता और अपने पति के बीच में बैठी हुई है. सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर. वह अपने हस्बैंड यानी पति और पिता के बीच में बैठी हुई है. दूसरा रूल देखिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं. डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी. डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी. डिवाइड का मतलब बांट ये दीज मैंगोज यानी आमों को बिटवीन किनके बीच में, यू एंड मी. अब देखना जब भी बिटवीन के बाद में जो नाउन या प्रनाउन यूज होता है उनके बीच में एंड का ही यूज करना होता है. एंड ही आएगा, टू का प्रीफर करोगे या टू का यूज करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी. इन आमों को आपके और मेरे मध्य पर बांट लीजिए. डिवाइड दीज मैंगो बिटवीन यू एंड मी. यू एंड मी के बीच में या आप या मेरे बीच में इनको डिवाइड करना है. तो ये आप और मैं दो की तुलना हुई, दो ही संख्या आ रही है, दो ही व्यक्ति या दो ही. इधर हर हस्बैंड एंड हर फादर. सी वॉज सिटिंग, सी है वो किसके बीच में बैठी हुई है, हस्बैंड के और फादर के बीच में बैठी है. दोनों को कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज किया गया. अगर हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट अब यूज करते हैं यूज ऑफ अमंग. अमंग का अर्थ भी यही होता है के बीच में, जैसा कि बिटवीन का भी अर्थ होता है के बीच में, अमंग का भी अर्थ होता है के बीच में. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. अमंग और बिटवीन में क्या अंतर है. देखो बिटवीन की तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए होता है, जबकि अमंग का प्रयोग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स यानी दो से अधिक वस्तुओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में यदि हमें तुलना करनी हो तो उस दृष्टिकोण से या उस संदर्भ में हम अमंग का प्रयोग करते हैं. देखिए यूज ऑफ अमंग. अमंग का प्रयोग का शाब्दिक अर्थ, अमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है. अमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है यानी दो वस्तुओं के बीच में. तो अमंग है तो दो से ज्यादा हो जाएगा, बिटवीन है तो दो के बीच में हो जाएगा. इनका प्रयोग बीच में के लिए तो होता है, लेकिन बीच में किनके बीच में, मोर देन टू पर्सन यानी दो से अधिक व्यक्ति और थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए होता है.
बहुत ही कन्फ्यूजिंग पेयर्स है ये, बिटवीन और अमंग्स का जो पेयर होता है प्रीपोजिशन में बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। केवल और केवल एक ही बात ध्यान रखनी होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, ये तुलना होती है, बीच में अर्थ होता है, तुलना होती है, बीच में अर्थ, बीच के अर्थ में होता है, लेकिन ये प्रयोग होता है टू पर्सन और थिंग्स, ये होता है मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, केवल इतना सा माइनर डिफरेंट है वो आपको यूज करना है। देखिए यूज ऑफ अबव का प्रयोग ऊपर, हाइयर देन, अबव का प्रयोग ऊपर या हाइयर देन या ओवर के अर्थ में किया जाता है। ऊपर हाइयर देन यानी तुलनात्मक दृष्टिकोण से उच्च श्रेणी के लिए, या ओवर के अर्थ में सामान्यतः होता है। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, पतंग है वो बादलों से ऊपर है। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, पतंग बादलों से भी ऊपर चले गए, यानी उड़ते हुए है वो पतंग बादलों से ऊपर चले गए। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, एरोप्लेन जो है वो बादलों के ऊपर उड़ रही है, तो अबव है लेकिन वो स्पर्श नहीं कर रही है, इस दृष्टिकोण से हाइयर है, बादल की जो एक रेंज होती है उससे ऊपर। तो हमने कहा अबव का प्रयोग हाइयर देन ऊपर के अर्थ में होता है, ऊपर जैसे बादलों से ऊपर है, पतंग चली गई है, एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर के अर्थ में है ये। फिर देखना अगला, अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या और मात्रा में अधिक के अर्थ में होता है। अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में होता है, यानी मोर देन नंबर और क्वांटिटी यानी संख्या में या मात्रा में कोई अधिक है तो उसके अर्थ में भी हम अबव का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, किसके संदर्भ में, नंबर एंड क्वांटिटी, मोर देन नंबर एंड क्वांटिटी के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एक बार इस तरफ के हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो प्रीपोजिशन में अपना चल रहा है बिटवीन, बिटवीन का यूज दो की तुलना के लिए होता है, और अमंग का यूज जो होता है वो दो से ज़्यादा की तुलना के लिए होता है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना के लिए होता है, जबकि अमंग का प्रयोग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के यूज में होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, शाब्दिक अर्थ दोनों का सेम होता है, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है, अमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। देयर इज ए सिमिलरिटी ऑफ द मीनिंग बट डिफरेंस इन द यूज, डिफरेंस इन द यूज में फ़र्क ये होता है। इट इज बिटवीन इज यूज, बिटवीन इज यूज टू पर्सन और थिंग्स, बिटवीन इज यूज टू पर्सन और थिंग्स, बिटवीन दो व्यक्ति और वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। एंड अमंग इज यूज मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, एंड अमंग इज यूज मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, और अमंग का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। जैसे इधर से एग्जाम्पल देख सकते हैं, पहले बिटवीन का, सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, वह अपने पति और पिता के बीच में बैठी हुई है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, इन आमों को आपके और मेरे मध्य बांट दो। ऐसे ही देखना, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेंस, इन आमों को बच्चों के बीच में बांट दो। इस तरीके से ये अमंग का और बिटवीन का यूज। अब देखो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ अबव, अबव की दो बातें पढ़िए, आगे और भी आएगा इसमें। अबव, यूज ऑफ अबव, अबव का प्रयोग, अबव का प्रयोग ऊपर स्थिति में ऊपर होना, हाइयर देन या ओवर किसी चीज को ऊपर से ऊपर होना, सामान्यतः इस अर्थ में इसका यूज होता है। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, पतंग है वो बादलों से ऊपर उड़ रहे हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, एरोप्लेन है वो बादलों से ऊपर उड़ रही है। फिर देखिए, अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में, नंबर और क्वांटिटी यानी संख्या और मात्रा में अधिक होने के अर्थ में किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से अधिक छात्र हैं। यानी हमने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया 50,
तो 50 से ऊपर की बात करें, देर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, यानी कक्षा में 50 से ऊपर छात्र हैं या 50 से ज़्यादा छात्र हैं। जैसा कि अभी हमने ये कहा था कि संख्या में या मात्रा में अधिक होने के दृष्टिकोण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अबव। तो ये 50 स्टूडेंट्स अबव द नंबर, ये संख्या में अधिक है। देर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, यानी छात्रों की संख्या जो है संख्या में कितनी है, 50 से अधिक है। अबव 50 यानी 50 से ऊपर, अर्थात हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि संख्या में किसी चीज़ का अधिक होना। तो हमने 50 से अबव बताया, 50 से कम नहीं है, 50 से ऊपर है स्टूडेंट्स इन दी क्लास। तो कक्षा में 50 से अधिक छात्र है। देखना, हर एक्सपेंसेज आर अबव हिज मीन्स, हर एक्सपेंसेज आर अबव हिज मीन्स, उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक है, उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक है। तो ऊपर होने की स्थिति में या मात्रा में अधिक होने, मान लीजिए उसको 100 रुपये सैलरी के मिलते हैं और उसके खर्चे हैं 150 150 रुपये, तो उसका खर्चा जो है, उसका एक्सपेंसिव जो है वो उसके मीन से, उसके आमदनी से ज़्यादा है, ऊपर है। तो इस दृष्टिकोण से मात्रा में अधिक है। फिर देखना तीसरा रूल, अबव का प्रयोग सुपीरियर के अर्थ में होता है। यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से कोई श्रेष्ठ हो, सुपीरियर हो, तो उसके अर्थ में होता है। जैसे सुधीर जी इज ए पब्लिशर अबव सस्पिशियन। सुधीर जी, जैसे मान लो जूनियर्स का जो है एडिटर है सुधीर शर्मा, सुधीर जी इज ए पब्लिशर अबव सस्पिशियन। सुधीर जी है वो संदेह से परे है, यानी सुधीर जी जो पब्लिश करते हैं वो संदेह से परे होता है, मतलब उसके ऊपर सस्पेंस करने का कोई आधार नहीं होता, ऐसी उनकी गुडविल बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं सुधीर जी इज पब्लिशर अबव सस्पिशियन, यानी ये पब्लिशर जो है सस्पिशियन से, संदेह से ऊपर है, सुपीरियर है इस बात में। अगले की बात करते हैं, अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, किस चीज़ का लेवल कहाँ से कहाँ तक है। लेवल, किसी भी चीज़ की लेवल की बात करते हैं तो उसका लेवल कहाँ तक है। देखना, अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, स्तर बताने के लिए होता है। अबव का मतलब, या अबव का प्रयोग क्या बताने के लिए होता है, लेवल बताने के लिए होता है। लेवल कैसे बताएगा, देखना एग्जांपल से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अबव 8,850 मीटर्स अबव द सी लेवल। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊपर है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, इज अबव 8,850 मीटर अबव द सी लेवल। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से अबव सी लेवल, यानी समुद्र का जो लेवल है उससे 8,850 मीटर ऊपर है। देखो, इससे पहले ये 8,848 मीटर था, लेकिन करंट जो नई जो नाप आई है, नई जो मेजरमेंट्स आए हैं, जीके के जो नए मेथड्स आए हैं, उसमें इनको 8,850 कर दिया गया है। इसलिए नो डाउट कहीं आपको ये मिल जाए कि 8,848 मीटर ही है, सर ने एग्जांपल के अंदर ये 50 कैसे कर दिया। इसका रीज़न ये है कि नए जो आंकड़े हैं उसके अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 कर दी गई है या पाई गई है। तो 2 मीटर का इसमें इजाफा कर दिया गया, पहले ये 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ ओवर, यानी अबव का प्रयोग है, उसमें 4 नियम हमने पढ़े हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखना यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग के ऊपर, यानी किसी वस्तु के ऊपर, के ऊपर के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन वो स्पर्श करते हुए होना चाहिए। अबव का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन कैसे होना चाहिए, स्पर्श करते हुए। देखिए, प्लीज स्प्रेड द ओवर द टेबल, प्लीज स्प्रेड द ओवर द टेबल। ओवर, ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कपड़ा है वो टेबल के ऊपर लगा दो। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कपड़ा है वो टेबल के ऊपर लगा दो। जैसे हम बेडशीट वगैरह लगाते हैं, टेबल को एकदम कवर अप कर देते हैं,
तो उसके लिए आता है ओवर। दूसरा है ओवर का मीनिंग, ओवर का प्रयोग के ऊपर, वही है के ऊपर, लेकिन स्पर्श नहीं करता हुआ होना चाहिए, के अर्थ में भी होता है। अर्थात ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए और स्पर्श नहीं करते हुए दोनों के अर्थ में हो सकता है। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, बादल हमारे सिर के ऊपर हैं। क्या बादल अब हमारे सिर को टच कर पा रहे हैं? बादल बहुत ऊपर होते हैं और हेड बहुत नीचे होता है, लेकिन ऊपर के अर्थ में होता है लेकिन वो टच नहीं कर रहा होता है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, प्लेन जो है वायुयान जो है हमारे शहरों के ऊपर से उड़ रहा होता है। तो ओवर का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में स्पर्श करते हुए और स्पर्श नहीं करते हुए दोनों अर्थ में होता है। स्पर्श करते हुए होगा तो वो उसको टच करता, जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, और स्पर्श नहीं करता हुआ होगा तो द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, क्लाउड्स जो हैं बादल जो हैं आर ओवर आवर हेड्स, वो हमारे सर के ऊपर हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, और प्लेन जो है हमारे शहर के ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन शहर के ऊपर उड़ने का मतलब वो शहर को टच नहीं कर रहा है। ये क्लाउड जो हमारे हेड को टच नहीं कर रही। अब देखना अगला, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर या सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर यानी सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में होता है। यानी क्या करते हैं, जब कोई संपूर्ण चीज की बात आए तो वहाँ ऑल ओवर के अर्थ में, सर्वत्र के अर्थ में, सभी जगह के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? सभी जगह के अर्थ में, सभी जगह के अर्थ में होता है ऑल ओवर या सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से हम इसको और कंफर्म करते हैं। देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में या पूरे संसार में या पूरे विश्व में बोली जाती है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में ये बोली जाती है। कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ नहीं भी बोली जाती, लेकिन अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स यानी दुनिया के अधिकांश भागों में बोली जाती है। फिर देखिए, ओवर का यूज मोर देन के अर्थ में होता है। ओवर का यूज मोर देन के अर्थ में होता, नहीं मोर देन का मतलब एक से अधिक के अर्थ में होता है। जैसे मिस्टर गांगुली किसी सीमा से ऊपर होना, मोर देन मतलब मोर देन ज़्यादा के अर्थ में। ओवर का यूज मोर देन के अर्थ में होता है, जैसे मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, मिस्टर गांगुली 40 से ऊपर है, अर्थात उनकी एज है वो 40 साल से ऊपर है। तो हमने एक राइट एरिया दिखाया कि इससे ऊपर होना, तो मोर देन यूज मोर देन के अर्थ में किसी चीज़ से अधिक होना, एक आधार बना देते हैं उस आधार से ऊपर होना। जैसे मैंने कहा गांगुली इज ओवर 40, गांगुली है वो 40 से ऊपर है। पांचवा इसका जो रूल बन रहा है वो कह रहा है ओवर का यूज आर पार या एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में होता है। ओवर का यूज आर पार या एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में होता है। जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। पुल है तो आर पार जाएगा, नदी के इधर से इधर भी जाएगा, आर पार भी होगा और एक छोर से दूसरे छोर को टच भी करेगा। तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी पर पुल बना हुआ है। तो ओवर का मतलब क्या, आर पार या एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के अर्थ में यूज होता है। अब एक बार इसको मैं टोटली रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्लीटली, जस्ट ए मिनट, प्रीपोजिशन का अपना टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले बिटवीन एंड अमंग का यूज, बिटवीन का यूज के बीच के अर्थ के लिए होता है और इसमें केवल दो व्यक्तियों की तुलना होती है। जैसे एग्जांपल, सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। अब देखिए, यूज ऑफ अमंग, अमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। इनका प्रयोग मोर देन टू पर्सन और थिंग के लिए होता है, मोर देन टू पर्सन एंड थिंग के लिए होता है। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेंस। नेक्स्ट, यूज ऑफ अबव, अबव का यूज ऊपर के अर्थ में, हाइयर देन और ओवर के अर्थ में होता है सामान्यतः। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स,
अबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर एंड क्वांटिटी, संख्या और मात्रा में अधिक के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के दृष्टिकोण से देखते हैं, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से अधिक छात्र हैं। हर एक्सपेंसेस आर अबव देन हिज मींस, उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक हैं। अबव का प्रयोग सुपीरियर के अर्थ में होता है, श्रेष्ठता के अर्थ में होता है। सुधीर जी इज ए पब्लिशर अबव सस्पिशन, सुधीर जी है वो संदेह से ऊपर है, संदेह से परे है। अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट इज अबव 8,850 मीटर्स अबव द सी लेवल, जैसे माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊपर है। यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में स्पर्श करते हुए और स्पर्श नहीं करते हुए दोनों के अर्थ में होता है। एग्जांपल देखो, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कपड़ा है उसको टेबल पे फैला दो या उसके ऊपर कवर कर दो। फिर देखना, स्पर्श नहीं करते हुए, क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, बादल हमारे सिर पे हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, प्लेन जो है हमारे टाउन के ऊपर से गुजर रही है। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर के अर्थ में, संपूर्ण के अर्थ में। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी संपूर्ण दुनिया में बोली जाती है। ओवर का यूज मोर देन के अर्थ में होता है, मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, यानी 40 से ऊपर है। ओवर का यूज आर पार के अर्थ में होता है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी पर पुल बना हुआ है। ये कंप्लीट आपको एज ए होमवर्क के रूप में भी करना है, डेफिनेटली आप इसे होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।